जब समूची दुनिया बारूदी तनाव से जूझ रही है, तब चीन और पाकिस्तान फिर वायरस वाली साजिश रच रहे हैं। एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि पाकिस्तान में चीन बायो वेपन तैयार कर रहा है। पड़ोसी मुल्क की यह लैब बेहद गुप्त तरीके से बायो वेपन के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। रिपोर्ट की माने तो इस लैब में, जिसमें कोरोना से हजार गुना ज्यादा घातक वायरस तैयार किए जा रहे हैं, दुनिया के लिए एक बड़ी चेतावनी है। जिस वुहान वायरस के विस्फोट से वैश्विक आपदा आ गई थी, जिस संक्रमण के आक्रमण से समूची दुनिया तड़प उठी थी, जिस कोरोना के कोहराम से पाकिस्तान महीनों तक त्राहिमाम त्राहिमाम करता रहा, जिस चाइनीज महामारी ने 66 लाख से ज्यादा जिंदगियां छीन ली, कुछ वैसा ही विषाणु फिर विकसित हो रहा है। और इस बार चीन अपने इस पाप का भागीदार बना रहा है उस पाकिस्तान को, जो उसका आर्थिक गुलाम है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर एक घातक वायरस को डेवलप कर रहे हैं। दावा है कि वायरस के रूप में इस बायो वेपन पर रिसर्च पाकिस्तान के रावलपिंडी स्थित एक रिसर्च सेंटर में चल रही है। जियोपॉलिटिक रिपोर्ट के मुताबिक वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और पाकिस्तानी सेना के डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन यानी डेस्टो ने एक बहुत ही एडवांस्ड साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। लैब में वायरस बना रहा है जिसमें कोरोना की तुलना में कहीं बड़े पैमाने पर फैलने और बीमारी पैदा करने की क्षमता है। रावलपिंडी के चकलाला कैंटोनमेंट में स्थित इस सीक्रेट लैब की कमान एक टू स्टार पाकिस्तानी जनरल के हाथों में है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन प्रायोजित वो पाकिस्तानी बायो सेफ्टी लेवल 4 यानी BSL-4 लैब है। BSL-4 ऐसी लैब होती है जहां सबसे खतरनाक और संक्रामक वायरस का टेस्ट और डेवलपमेंट किया जाता है। BSL-4 लैब का इस्तेमाल आमतौर पर संक्रामक और जहरीले वायरस की स्टडी में किया जाता है जो जानलेवा बीमारियां फैला सकते हैं। जानकारों की माने तो चीन और पाकिस्तान लैब में जो वायरस डेवलप कर रहे हैं वो कोरोना से भी सैकड़ों गुना ज्यादा घातक है। ऑस्ट्रेलियाई खोजी पत्रकार के मुताबिक ये दुनिया से छिपा हुआ एक गुप्त सौदा है। पाकिस्तान में एक गुप्त लैब है जो घातक वायरस से संबंधित कई रिसर्च प्रोजेक्ट्स चलाता है। इस लैब में एंथ्रेक्स जैसी बीमारियां फैलाने वाले घातक बैक्टीरिया और वायरस बनाए जाते हैं जिनका इस्तेमाल बायो वेपन के रूप में किया जाता है। हालांकि पाकिस्तान ने इससे इनकार किया है। मगर बताया जा रहा है कि चीन ने इस गुप्त रिसर्च के लिए पाकिस्तान को इसलिए चुना है ताकि वो लोगों की नजरों से बचकर खतरनाक प्रयोगों को अंजाम दे सके। साथ ही इसे चीन के बजाय पाकिस्तान में बनाने से कुछ भी गलत होने पर चीन आसानी से इससे पल्ला झाड़ पाएगा। आपको बता दें कि चीन पर आरोप लगते रहे हैं कि उसने कोरोना वायरस का इस्तेमाल बायो वेपन की तरह किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।